हो चुकी है और हम गोवा के फर्स्ट स्टेट के फर्स्ट वीडियो के लिए रेडी हो चुके हैं। तो आज हम जाने वाले हैं अगोड़ा फोर्ट, जहाँ पर एशिया का सबसे पुराना लाइट हाउस बना हुआ है। उसके बाद जहाँ पर डियर जिंदगी का शूट हुआ था, वहाँ पर भी चलेंगे। बाकी बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। तो आज हम हैं अपने आठवें स्टेट गोवा में। तो थोड़ा गोवा के बारे में बताऊंगा, क्योंकि गोवा एक ऐसा राज्य है जो दो इंडिपेंडेंस डे मनाता है, एक 15 अगस्त को और एक 19 दिसंबर को, क्योंकि सबसे आखिर में आज़ाद होने वाला जो राज्य है इंडिया का वो यही है। और जब आज़ाद हुआ था वो 1961 एंड 19 दिसंबर में। 15 अगस्त में इतना ज़्यादा हाई लेवल में नहीं मनाया जाता जितना 19 दिसंबर में मनाया जाता है। तो बाकी अभी हमें फिलहाल कौन सा रोड है, ये पारा रोड, और यहाँ पर आई थिंक डियर जिंदगी की शूट भी यहीं पर हुई थी। थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखाऊंगा आपको। तो ये इस तरीके का है। अभी पीछे एक और शूट चल रहा है, आई थिंक कोई होगा मूवी या वेब सीरीज वगैरह होगा, उसकी शूट चल रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर करके हम जा रहे हैं अगोरा फोर्ट। तो थोड़ा वहीं पर जाके अगोरा फोर्ट के बारे में बताऊँगा आपको, तब तक स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अगोड़ा फोर्ट के अंदर। तो थोड़ा सा अंदर जाके दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूं, थोड़ा बहुत नेट में देखा था। तो अब देखते हैं प्रैक्टिकली। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ एंट्री है तो दिखाता हूं। तो ये एंट्री है, थोड़ा सा और ये निचले वाला हिस्सा इस तरीके का। यहाँ से हम अंदर घुसेंगे। दोस्तों ये है एंट्री। आई थिंक ये हम यहाँ के लाइट हाउस के अंदर में हैं। तो यहाँ पर दिखाता हूँ। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, ये सेंट अगस्टीन चर्च उस टाइम का कॉम्प्लेक्स ओल्ड गोवा। और यहाँ पर सारे के सारे ओल्ड गोवा का, तो ये ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है। तो ये जो लोअर अगोड़ा जो बताया था, जो दो किले बने थे उस टाइम पे, एक अपर अगोड़ा में बना था, एक लोअर अगोड़ा में। और लोअर अगोड़ा का जो ये था, यहाँ पर आई थिंक उस टाइम पे पोर्ट हुआ करता था। तो यहाँ पर उनके नाव वगैरह यहाँ पर आके रखते थे, बात होता था। ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर महादेव टेम्पल वगैरह, ये उस टाइम का, और ये अभी भी वैसे ही है। तो यहाँ पर भी ये उस टाइम का पुराने वाला महादेव, और ये अभी के टाइम का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी और बाहर जा रहे हैं। तो दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर एशिया का सबसे पुराना लाइट हाउस है ये अगोरा फोर्ट में। तो ये लाइट हाउस है जो सिर्फ चार माला है, मतलब 4 फ्लोर्स है इसमें। तो ये सबसे पुराना एशिया का सबसे पुराना लाइट हाउस है, जो दिन में 30 सेकेंड, हर 30 सेकेंड के बाद ये लाइटनिंग करता है। और यहाँ पर उस टाइम पे बना हुआ, अंदर ही अंदर ये सुरंग भी होगा, और सुरंग जैसा ही है, रूम वगैरह बना होगा उस टाइम पे। तो यहाँ पर होगा जो ये रास्ता है अंदर घुसने का, और इसी के अंदर रूम्स वगैरह होंगे शायद, हमें पता नहीं है इतना। और यहाँ पर पूरा मतलब खुला मैदान है, और वहाँ से आई थिंक वहाँ से समुंदर दिखता है, तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको लाइट हाउस दिखाया, और यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, जिस चीज़ के ऊपर हम खड़े हैं, ये पूरा का पूरा टैंक है जो आप देख रहे हो चौकोरी से, पूरा का पूरा उस टाइम का वाटर स्टोर करने का टैंक है, जिसमें फ्रेश वाटर स्टोर किया जाता था उस टाइम पे, पोर्तुगीज इस चीज़ में स्टोर करते हैं। और इस टैंक की कैपेसिटी 23,76,000 गैलन वाटर का है, और ये आई थिंक 6 या 8 पिलरों
के ऊपर बना हुआ है, और यहाँ पर एक इस पूरे एरिया का जिसके ऊपर ये फोर्ट बना है इसका मैपिंग भी है, 3D मैपिंग, तो ये भी देख लो। तो अभी जो है हम इस पहाड़ी के ऊपर ये बना हुआ है ना, ये टैंक है जो अभी मैंने आपको बताया, और ये लाइट हाउस है जो एशिया का सबसे पुराना है। और उस टाइम पे जब ये समुद्री तट है ये, और यहाँ पर उस टाइम पे बोट वगैरह आकर जो भी शिपमेंट्स थे यहाँ से तब ऊपर चढ़ता था, और इसलिए बनाया गया था ये प्रोटेक्शन के लिए भी, उस टाइम पे डच वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये फोर्ट बनाया गया था। बाकी हम जा रहे हैं अभी इस वाले हिस्से में, तो ये वाला हिस्सा तो मैंने आपको दिखा दिया, अब हम जा रहे हैं इस वाले हिस्से में, तो तब तक स्टे ट्यून। तो दोस्तों जो फोर्ट के लिए जो सेकंड प्रोटेक्शन, एक तो मतलब दरवाजे वगैरह थे, तो सेकंड प्रोटेक्शन है वो मतलब खाई वगैरह है ना जो हमने पड़े थे, वो दिखाता हूँ कितना बड़ा खाई है। तो मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, तो कोई बंदा कैसे घुसेगा ये देख सकते हो आपने। तो इतनी खड़ी चढ़ाई और ऐसे पत्थर में कोई घुस ही नहीं सकता है, तो डर लग रहा था। तो दोस्तों जो ये फोर्ट बना है उस टाइम पे समुद्री पत्थर से बना हुआ है, तो दिखाता हूँ आपको, ये पूरा समुद्री पत्थर है, क्योंकि जो लग रहा है जैसे छेद छेद जो घोंगे पत्थर होते हैं समुद्र के अंदर, तो यहाँ पर नॉर्मल रॉक तो मिलता है नहीं। आई थिंक ये समुद्री पत्थर थोड़ा हल्का भी होता है नॉर्मल पत्थर, क्योंकि इसके अंदर इस तरीके का जो होल्स है इसमें एयर भरा रहता है, तो इसे वॉल्केनिक रॉक भी कहते हैं। बाकी आपको दिखाते हैं आगे से समुद्र का व्यू यहाँ से। तो दूसरी तरफ से जो अभी मैंने आपको खाई दिखाई वो देखो कितना गहरा खाई है, तो बहुत ही गहरा खाई है। आई थिंक कितना फीट गहरा होगा रे, नहीं 15 फीट से ज़्यादा, कम से कम 85 फीट से 85 फीट का गहरा होगा ये, हाँ 100 फीट गहरा तो होगा, 100 फीट गहरा है ये आई थिंक ये खाई। दोस्तों यहाँ से मतलब पूरा का पूरा गोवा का समुद्र दिखता है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और नीचे का जो खाई है वो भी दिखाऊंगा। तो ये है यहाँ का व्यू पूरा पूरा, और हम कल वहाँ थे आई थिंक उस वाले बीच में रात को, तो अभी दिन में भी दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर देख सकते हो आप बोट वगैरह भी चल रहे हैं, और यहाँ पर भी बहुत खड़ी खाई है, तो यहाँ से उस टाइम पर पुर्तगीज वगैरह नज़र रखा करते थे जो समुद्र से जो एनिमी वगैरह आते थे, तो यहाँ से आराम से दिख जाता। और ये लाइट हाउस उस टाइम पे अभी आई थिंक बीच में बढ़ा दिया था, 1961 में इसका टाइमिंग बढ़ा दिया था, वरना उससे पहले टाइमिंग था आई थिंक 15 सेकेंड, हर 15 सेकेंड के बाद ये लाइटनिंग देता था बोट वगैरह को, तो ये डायरेक्शन देने का काम भी करता है लाइट। तो ये देखो व्यू। तो दोस्तों जो ये समुद्र दिख रहा है आपको ये अरेबियन सी का हिस्सा पड़ता है, ये पूरा अरेबियन सी का हिस्सा है। तो बाकी आप थोड़ा सा इसके निचले वाले हिस्से में जाते हैं इसके फोर्ट में। तो दोस्तों हम फोर्ट से निकल चुके हैं, फोर्ट से निकलने के बाद हम नीचे आ चुके हैं पोर्ट पे, जहाँ पर वो मैंने गोल सा दिखाया था उस टाइम का जो पोर्ट था हुआ करता था, तो ये है। तो बाकी वहीं पर जाके दिखाऊंगा, बाकी यहाँ पर बीच है, यहीं पर आके बीच ख़त्म होता है। तो उधर दूसरा पहाड़ी है, दूसरे पहाड़ से बीच होते 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 तो ये यहाँ पर बीच एंड हो जाता है, बाकी वहीं जाके दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों यहाँ से काफ़ी प्यारा सनसेट हो रहा है, यहाँ से दिख नहीं रहा, और जो नीचे वाला जो फोर्ट है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तो सो ये रास्ता है ना, बाकी पूरा समंदर, और यहाँ से जो सनसेट दिख रहा है इतना प्यारा दिख रहा है ना बाबे। तो जो यहाँ से सनसेट दिख रहा है बहुत ही प्यारा दिख रहा है, और यहाँ पर बना हुआ है वो पोर्ट जो पुर्तगीज जमाने से जो उनके नाव वगैरह जो आते थे, जो शिपमेंट्स वगैरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, वो यहीं पर होकर अरेबियन सी को क्रॉस करके तब जाके यहाँ पर। तो यहाँ का देख सकते हैं आप, है ना नज़ारा, तो ये इस तरीके का बना हुआ है ना।
बाकी ऊपर जा चढ़ रहा हूँ मैं। सो चल 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 सो ओ बाकी यहाँ से दिख रहा है सनसेट, तो मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ही प्यारा सनसेट दिख रहा है। बाकी यहाँ से थोड़ा सा आपको ओशन का व्यू दिखाऊंगा। तो सो आपने देखा व्यू वगैरह बहुत ही प्यारा लग रहा है, आँखों को रिलैक्सेशन मिल रहा है, समुंदर एकदम शांत है। मतलब गुजरात में द्वारका में जो बड़े बड़े लहरें उठ रहे थे वो गोवा में नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही शांत समुंदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बोट वगैरह भी है, पैराग्लाइड टाइप का आई थिंक बोट ग्लाइडिंग भी हो रहा था वहाँ पर, अभी तो अभी आई थिंक स्टॉप हो रखा है, तो वो है बोट ग्लाइडिंग करवाने वाला, तो अभी स्टॉप है। बाकी अभी हमने निकलना है तो Stay tuned। तो दोस्तों आपको मैंने अगोड़ा फोर्ट के बारे में पूरा दिखा दिया है ना, होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अभी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो और शेयर कर दो। बाकी अभी हम रूम जा रहे हैं, रूम जाने के बाद मिलते हैं आपसे। दोस्तों आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे और भी आने वाले अच्छे अच्छे कंटेंट अदर स्टेट के आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं ऑल इंडिया टूर कर रहा हूँ ताकि खुद भी एक्सप्लोर कर सकूँ और आप लोगों को भी दिखा सकूँ। बाकी जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी मुझे सपोर्ट करते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होने वाला हमारा गोवा बागा बीच का। तब तक स्टे ट्यून्ड।